Ashif Tech Present, please like and subscribe. तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू स्टेटस वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अलाइट मोशन में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। अब जो भी फोल्डर में आपका फोटो है, अपनी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको फोटो ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। फोटो को सेव करना है, फिर इस फोटो को डिलीट करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके स्पॉट पे क्लिक करना है। फोटो को सेव करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, इसी प्रकार से आपको जो अपनी फोटो को क्रॉप कर करके सेव करते रहना है। तो अब आप पूछोगे कि आपको कितना फोटो क्रॉप करना है। आपको यहाँ पे 15 यानी कि 15 फोटो क्रॉप करके सेव कर लेना है, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। तो मैंने पहले से कुछ फोटो क्रॉप कर लिया है, अब यहाँ से बैक आना है। बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल ईजी है। ओके, तो गाइस फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला लेयर जो सबसे नीचे में 80 लिखा हुआ है, 80 सबसे नीचे में, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पर क्लिक करना है। मीडिया नोट फाउंड पर क्लिक करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, पहला फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। सिलेक्ट करके आगे जाना है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस प्रकार से हमारा दूसरा लेयर, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पे क्लिक करना है। सेकंड फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो सेकेंड फोटो है वो 2 लेयर में एड होगा, इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। ओके, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर अपना तीसरा फोटो को ऐड करना है नेक्स्ट लेयर में। अब यहाँ से लेकर लास्ट तक सभी लेयर्स में आपको अलग अलग फोटो ऐड करना है। ओके, जैसे कि इसमें हमने तीसरा फोटो ऐड किया है, तो इसके आगे जो लेयर्स में हम चौथा फोटो को ऐड करेंगे, फिर उसके आगे जो लेयर्स में हम पांचवा फोटो को ऐड करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से। फिर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नोट फाउंड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करके ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से। अब यहाँ पर सभी लेयर्स में आपको अलग अलग फ़ोटो को ऐड करते रहना है, जिससे कि आप लोग देख सकते हो। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप यहां पे सभी फ़ोटो को ऐड कर लेना लास्ट तक, जितना भी लेयर्स है सभी लेयर्स में। ओके, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से फ़ोटो तो काफ़ी अमेजिंग है, मतलब फ़ोटो अच्छा है, यहां पे आप लोग देख सकते हो। ओके, इस प्रकार से आपको जो यहां पे फ़ोटो को ऐड करना है, सभी फ़ोटो लास्ट है, जितना भी लेयर्स है सभी लेयर्स में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखते हो मैंने सभी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जैसे फोटो ऐड कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, देखो गाइस ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है। ओके, ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, क्योंकि आपकी वीडियो यहाँ पे बन जाएगी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।